दोस्तों ये जो फ़ोन है हमारे पास में, ये सैमसंग का A20 मॉडल है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे पावर की का प्रॉब्लम है, यहाँ पर पावर की इसका जो है ट्रिगर नहीं हो रहा है, फ़ोन को ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कुछ सेंस और डाटा जो है इसमें मिसिंग है, और ये फ़ोन जो है ऑलरेडी मार्केट में वर्क करके इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, मार्केट में रिपेयर होकर आया है, लेकिन ये जो है रिकवर नहीं हुआ है और इसकी हालत जो है ख़राब हो चुकी है। तो अभी जैसे इसको हम अगर ऑन करने की कोशिश करें तो ये जो है पावर की से ऑन नहीं होगा, और जैसे ही मैं इसमें चार्जिंग प्लग इन करूँगा, ये जो है चार्जिंग का लोगो इसमें शो होता है और चार्ज भी स्टोर होता है, ठीक है गाइस। तो ये जैसे मैंने चार्ज लगाया है इसको, अभी देखिए चार्जिंग का लोगो आया है और यहाँ पर परसेंट भी हमको शो होगा कितना परसेंट बैटरी चार्ज है, ठीक है। अगर ये सिर्फ चार्जिंग लोगो ऐसे शो करता तो हम उस कंडीशन में इसका CPU को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अभी देख सकते हो इसमें जो है चार्जिंग लोगो भी आ रहा है और चार्जिंग स्टोर भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो पावर की इसकी ट्रिगर नहीं हो रही है। मैं इसको मशीन पर भी जैसे ऑन करता हूँ DC पावर सप्लाई पर, तो वहाँ पर भी जो है हमको कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करता है जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि इसका पावर बटन जो है ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रेसिंग करते हैं और कैसे जो है, क्योंकि इस फ़ोन में जो पावर बटन की सप्लाई है डायरेक्टली हमारे पावर IC से होते हुए आई है, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी पावर बटन वर्क नहीं करती है तो उस कंडीशन में इसमें जो है हमको हमारी जो पावर IC इसमें लगी हुई है उसको टारगेट करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस पर कुछ ना कुछ ट्रेसिंग करते हैं, और मैं कैमरे को जो है प्रॉपर सेव कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, एक एक चीज़ आपको क्लियरली बता सकूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सही सीखने को मिलेगा, लीगली सीखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम फर्स्ट जो है मल्टीमीटर से डायरेक्टली ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो रेड प्रोड को मैंने कर दिया ग्राउंड, ये जो इधर है ग्राउंड है, इसके साइड में वॉल्यूम डाउन है, उसके साइड में वॉल्यूम अप है, दोनों पर प्रॉपर रीडिंग आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो है पावर की का, यहाँ पर VPH की सप्लाई इन होती है, ठीक है, और ये साइड में जो है हमारी पावर की के वोल्टेजेस यहाँ पे रन होते हैं, यहाँ पर जो है कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सैमसंग के कुछ फ़ोन्स में पावर की पर जहाँ पर 1.8 वोल्टेज रन होता है वहाँ पर जो है इसमें कोई रीडिंग शो नहीं होती है कई बार, ठीक है। तो अभी इसमें जो है रीडिंग शो नहीं हो रही है, तो हम कैसे जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में रीडिंग शो नहीं हो रही है तो ये सही है या गलत है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से पावर की जो हमारा कनेक्शन है, यहाँ से इसमें एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है वो भी निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कुछ टेक्नीशियंस ने इस पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो एक रजिस्टर लगा होता है 10 किलो ओम्स का, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है, ठीक है। खैर रीडिंग अभी शो नहीं हो रही है तो कैसे हम कंफर्म होंगे कि वाकई में यहाँ पर रीडिंग आएगी ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि रीडिंग जो है इसलिए नहीं आ रही हो कि हमारी सप्लाई जो है ओपन हो गई हो, है ना, कहीं से ब्रेक हो गई हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सप्लाई है हमारी, ये डायरेक्टली हमारी आती है पावर IC से, ठीक है। तो अगर ये सप्लाई हमको नहीं आ रही है तो हमको सीधे जाकर पावर IC पर वर्क करना है, सही है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो कंपोनेंट्स मिस हैं, यानी कि जो डायोड, कैपेसिटर्स और एक 10 किलो ओम का रजिस्टर जो कि इस बोर्ड में से मिस है, पहले हम उनको लगाएंगे। ये भी हो सकता है कि उसके लगाने के बाद जो है हमारा पावर की वर्क करने लग जाए, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो हमारे कंपोनेंट मिस थे, एक हमारा यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर मिस था जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बिना हमारा जो है पावर की पर जो है सप्लाई नहीं आएगी और ट्रिगरिंग भी नहीं होगी।
ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं और इसके बाद हम चेक करते हैं कि वाकई में इसी कंपोनेंट से ये प्रॉब्लम थी क्या, इसी रजिस्टर से ये प्रॉब्लम था। तो इसको हम प्रॉपरली पे लगा देंगे अपनी जगह पर। ठीक है, मैंने लगा दिया है और मदरबोर्ड को मैं थोड़ा सा कूल होने दूंगा। जब तक फ़ोन का बोर्ड जो है पूरा कूल ना हो, ठंडा ना हो, तब तक इस पर जो है हमको वोल्टेज अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बोर्ड में शॉर्ट सर्किट या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फ़ोन डेड भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रहे। तो हम किसी क्लॉथ की हेल्प से या फिर टिश्यू पेपर वगैरह की हेल्प से इसको जो है ठंडा कर लेंगे। गर्म बोर्ड पे लिक्विड बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिससे पेट्रोल वगैरह या आईपी वगैरह से इसको क्लीन नहीं करना है। थोड़ा सा कूल हो जाए बोर्ड, उसके बाद हमको इस पर जो है वर्क करना होता है। गाइज़, मैं अपने वीडियो में बिल्कुल डीपली नॉलेज देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट जो लीगली जो चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी जो है एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीमीटर को मैंने बजर रेंज पर सेव कर लिया है और अब हम चेक करेंगे कि वहाँ पर क्या सप्लाई आ रही है अब या नहीं आ रही है। मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। जो हमने रजिस्टर लगाया है वो 10 किलो ओम्स का है, तो मल्टीमीटर को मैंने 10 किलो ओम्स के रेंज पर सेव कर लिया है। ठीक है, 20 पर मैंने सेव किया है, 20 किलो ओम पर। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा तो ये देख सकते हो 9.99 ये अप्रोक्स आ रहा है, यानी कि हमारा 10 किलो ओम अराउंड जा रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर हमारा ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये देख सकते हो। तो अभी हमको क्या करना है, एक बार यहाँ पर जो है वैल्यू को हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो अभी भी यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है तो वैल्यू तो आएगी नहीं भाई। तो कैसे हम सेटिस्फाई होंगे, कैसे कंफर्म होगा कि जो वैल्यू नहीं आ रही है वो वाकई में सही है। इस पावर आईसी से जो आने वाली सप्लाई है, जो इस पावर आईसी से यहाँ नीचे तक जो सप्लाई आती है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, या वो कहीं से ओपन तो नहीं है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारा हमने 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाया है, ठीक है, उस रजिस्टर के एक साइड यानी कि नीचे जो कि हमारा पावर की का टच पॉइंट है, वहाँ पर वैल्यू नहीं आती है, लेकिन उस रजिस्टर के दूसरी साइड हमको वैल्यू शो होती है। लेकिन यहाँ पर जो है इस रजिस्टर के दोनों तरफ हमको वैल्यू नहीं आ रही है, जबकि ऊपर वैल्यू आना चाहिए, नीचे नहीं आती है। तो ऊपर वैल्यू नहीं आ रही यानी कि हमारी पावर आईसी से कहीं ना कहीं ये सप्लाई जो है मिस आउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम हमारी पावर आईसी को ही निकालते हैं। ठीक है, पावर आईसी को निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि पावर आईसी के नीचे जो टच पॉइंट है वो वहाँ से तो हमारे रजिस्टर तक सप्लाई जो है कनेक्ट है कि नहीं, सप्लाई कनेक्ट है या कहीं ना कहीं से ब्रेक है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। कनेक्ट तो है नहीं, हमने कंफर्म कर लिया, अब ये है कि सप्लाई जो है ये कहीं ना कहीं से तो ब्रेक है। ठीक है, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये सप्लाई ब्रेक होती है तो हमारी पावर सप्लाई की जो है पावर सीक्वेंस यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, वोल्टेज जो है 1.8 वोल्ट यहाँ पे आता है वो नहीं आएगा, और हमारी जो है पावर बटन जो है फ़ोन को बूट नहीं करा पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमने जो है हमारी आईसी को एक बार हिट किया है और हल्का सा अपनी जगह से डिस्टर्ब किया है, हो सकता है मॉइस्चर वगैरह हो उसकी वजह से यहाँ पर जो है सप्लाई नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए अभी देखा हमने कि यहाँ पर जो सप्लाई नहीं आई है, अब हमने फ़ोन को जो है पीसीबी में सेट कर लिया है, अब हम डायरेक्टली जो है आईसी को निकालने वाले हैं। ठीक है, आईसी को हिट करने से या डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं हुआ है हमको।
रजिस्टर के ऊपर जो हमको वैल्यू आना चाहिए, कुछ रीडिंग्स हमको मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिली। अभी हम क्या करेंगे, हम इस आईसी को निकालेंगे। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए सप्लाई नहीं आ रही है वहाँ पे, तो हम चाहते हैं तो डायरेक्टली उठाकर आईसी को चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है भाई हमारी आईसी ख़राब है, तभी तो वहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही है, वो ओपन क्यों है, ऐसा हो सकता है ना कि आईसी ख़राब है भाई। लेकिन हमको ये चीज़ कन्फर्म करना है, क्या वाकई में आईसी ख़राब है या आईसी के नीचे से वहाँ तक जाने वाली सप्लाई कहीं ना कहीं से ब्रेक है, ये भी हो सकता है। तो देखो आईसी मैंने निकाल ली है बाहर, और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे बॉल्स हैं इनको डिसोल्डर वायर से डिसोल्ड कर देंगे और बढ़िया इसको पीसीबी को क्लीन कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर जो है अच्छे से टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, काफ़ी डीपली करना होता है। ठीक है, इतना जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं कर सकते, फ्री माइंड से और बिल्कुल हल्के से ये काम होता है। अब आईसी अगर रिवॉल्व करना हो और रिसोल्ड करना हो, या आईसी का कोई सा भी वर्क हो, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली कहीं पर भी ट्रबल शूट नहीं कर सकते। ठीक है, सब कुछ नॉलेज में होना चाहिए आपके, इन खास बातों का ध्यान रखें कि जब भी हम कोई सी आईसी निकालेंगे तो उसके चारों तरफ कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, है ना। थोड़ा सा भी अगर हाथ आपका डिस्टर्ब हुआ तो सारे कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और फ़ोन हमारा डेड में चला जाएगा। ठीक है, फिर उस कंडीशन में हमारा फ़ोन ऑन भी नहीं होता है। तो ये मैं डिसोल्डर वायर से जो इसके पूरे बॉल्स हैं सभी को डिसोल्ड कर दूंगा। ये देखिए, ठीक है गाइस, सभी बॉल्स को डिसोल्ड करने के बाद हम जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी टेस्टिंग करेंगे। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बस, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं देखा आपने कि मैंने कैसे जो है डिसोल्डर वायर का यूज़ किया, डायरेक्टली डिसोल्डर वायर को पकड़ के और मदरबोर्ड पर रश नहीं करना है आयरन से, उस कंडीशन में हमारे फ़ोन के बॉल्स मेल्ट हो जाएंगे ये, और कहीं ना कहीं ये शॉर्टिंग हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर बॉल्स बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको एक ट्वेज़र में एक छोटा सा टुकड़ा लेना है डिसोल्डर वायर का, उसको पकड़ कर जो है इससे जिस टाइप से मैंने किया हल्के हल्के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो है मैं क्लॉथ की हेल्प से इसको बढ़िया से क्लीन कर लूँगा पीसीबी को, फिर हम जो है पीसीबी पर टेस्टिंग करेंगे। तो देखो अब मैं आपको जो है एक जूम करके आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा, पॉसिबल हुआ तो जूम करके एक वीडियो में साइड में कर दूंगा आपको, एडिट हो पाया तो। ठीक है, तो ये जो हमने आईसी निकाली है इसके नीचे जो अगर ऊपर से मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 फोर्थ के बाद नीचे जाऊंगा तीसरे नंबर पर जो बॉल है वो हमारा पावर की को ऑन करता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई आपको चेक करना है तो वहाँ पे हमको जो है पहले तो मल्टीमीटर से हम जो है चेक कर सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जो है ओके है या ओके नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टेस्टिंग करते हैं, वन बाय वन टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ से है। तो पहले हम मल्टीमीटर से जो है टेस्टिंग कर लेंगे कि
इसकी जो सप्लाई है ये हमारे रजिस्टर तक कनेक्ट है या नहीं है। तो देखो मल्टीमीटर को हमको सेव कर लेना है बजर रेंज पर, ठीक है, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। ये जो बोल है ऊपर से अगर देखेंगे तो थर्ड रो में जो है ये, ठीक है, थर्ड रो में जो ये हमारा पांच, उधर से अगर काउंट करेंगे तो पांचवें कॉलम में और थर्ड रो में ये हमारा जो है जो बॉल है यहाँ पर वो सप्लाई हमारी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो उस बॉल को हम जो है जंपर करके बाहर निकलने वाले हैं। सेवेंथ ये वाला जो बॉल है यहाँ से हमको जंपर करना है और डायरेक्टली नीचे जो है रजिस्टर पर उसको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बताऊँ कि यहाँ से मैं जैसे टच कर रहा हूँ और पावर की पर टच कर रहा हूँ तो वहाँ से यहाँ तक मतलब कोई सप्लाई नहीं है, मतलब आपस में इनका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से जो है ब्रेक हो गया है। अब ये जो कनेक्शन है ये अगर ब्रेक हो गया है तो ये यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आएगी कैसे, जब पावर आईसी को हम लगाएंगे और वो जो पावर आईसी का पावर बटन का जो कनेक्शन है वही बीच में से कहीं से डिस्टर्ब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो हमारी पावर बटन पर वोल्टेज जब नहीं आएगा तो पावर बटन वर्क कैसे करेगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है हमको, हम जो है ये जो बॉल है हमारा इस बॉल से एक जंपर लेंगे और नीचे जो है रजिस्टर के पास उसको शोल्ड कर देंगे, ठीक है गाइस। देखो एक हमको बिल्कुल बारीक सा माइक्रो जंपर लेना है, ठीक है, और उसको जो है उसका आगे वाला जो सिरा है जिसको हमको शोल्ड करना है उसको अच्छे से हम एक बार क्लीन कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे यानी कि उसके ऊपर का जो कॉपर लगा होता है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जो है यहाँ से अगर काउंट हम करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्ड रो में हमको इसे जो है शोल्ड करना है, ठीक है। तो ये शोल्ड हो गया, अभी इस पर जो है हमको यूवी मास्क अप्लाई कर देना है अच्छे से ताकि हमारा जंपर जो है निकले नहीं। अगर यूवी मास्क नहीं करेंगे तो नीचे के जो हमारा पूरा एरिया है वो हमारा कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है जंपर की वजह से, ठीक है। दोस्तों यूवी मास्क लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सा भी आप जंपर करो माइक्रो जंपर तब वहाँ पर यूवी मास्क ज़रूर अप्लाई कर दे, ठीक है। यूवी मास्क के बिना जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मैंने जो है जंपर कर दिया है, अभी इसको हम पूरा जो यूवी कवर कर देंगे और यूवी लाइट से इसको हम जो है एंड टू एंड सुखा भी देंगे, ठीक है दोस्तों। गाइस पूरा काम जो है यहाँ पर हमको सफाई से करना है, ठीक है, हमको बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की,
पूरा क्लीनिंग करके पेस्ट वगैरह पूरा हटा के हमको यूवी लगाना है। और क्योंकि जंपर वायर हमारा इतना बिल्कुल माइक्रो जंपर है, ये इतना नाजुक होता है कि ये थोड़े से भी हिट पड़ने से ये जो है इसका कवर जो होता है वो निकल जाता है और फिर ये कहीं पर भी शॉर्ट हो सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जंपर को हमको ऐसी जगह पर शेव करना है जहाँ पर बहुत कम चांस हो कि ये शॉर्ट हो, ठीक है, ग्राउंड से ये टच नहीं होना चाहिए। और कहीं पर ऐसा लगे हमको तो वहाँ पर हमको जो है यूवी को मास्क कर देना है, ठीक है, इस पर यूवी ग्लू लगाकर इसको हम पूरा जो है कवर कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इस पर जो है पहले हम, क्योंकि जंपर हमारा काफ़ी दूर तक जाने वाला है तो जंपर को हम पूरा इधर से कवर करके ले जाएंगे। तो ये जो मैंने लिया है ट्वेज़र में देख सकते हो बिल्कुल बारीक सा माइक्रो जंपर लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसको जो है पूरा कवर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ज़रूरत के हिसाब से हमको ये लगाना है यूवी ग्लू, ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि हमारा जो है अननेसेसरी आईसी के नीचे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वरना आईसी हमारी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरी तरह से प्रॉपरली सेव नहीं हो पाएगी। तो आईसी के नीचे बिल्कुल हमको सॉफ्टली लगाना है। अभी जहाँ पे हमने जंपर किया है उसके ऊपर के जो दो बोल थे आपने देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि वो मैंने कवर कर दिए, तो वो मैंने कवर इसलिए कर दिए क्योंकि वो जो दोनों बोल है वो एनसी है और तीसरा जो बोल है हमारा पावर की का जो वहाँ पे सप्लाई रन होती है, तो वो दोनों बोल्स को भी जो है मैंने यूवी से कवर कर दिया क्योंकि वो एनसी है, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए उसको भी हमने जो है सीधा एक रो में लेकर उसको भी हमने मार्क कर दिया है। चलिए अभी जो है हमारा यूवी सूखेगा, यूवी लाइट से मैंने इसको जो है यूवी लाइट इस पर रख दिए, एक से दो मिनट के लिए इसको रखा रहने देंगे, ठीक है, तब तक ये पूरा जो है सूख जाएगा। चलिए अभी हमारा जो है ग्लू सूख गया है ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा सा एक ब्लेड की हेल्प से यहाँ पे क्लीन कर लेंगे जो हमारा बॉल है उसको, ठीक है। तो इसको हमको जो है काफ़ी लाइटली यूज़ करना है, यहाँ पर लाइट हैंड से वर्क करना है बिल्कुल हल्के से, वरना ये जो ग्लू है हमारा पूरा उखड़ के आ जाएगा, तो इसको उखड़ना नहीं चाहिए, उसको ब्लेड से क्लीन करेंगे हम बिल्कुल सॉफ्टली, देख सकते हो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे का इशू है तो इस वजह से देख सकते हो ब्लर हो रहा है वहाँ का ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर आता है कैमरे में, तो इसको जो है मैं पूरा क्लीन कर लूँगा। पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है डीपली समझ में आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अब हम जंपर को जो है जहाँ पे हमको ले जाना है वहाँ पर इसको ले जाकर डायरेक्टली जंपर करेंगे और फिर इसको जो है पूरा जहाँ जहाँ पर इसको हमको ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर इसको हम यूवी से मार्क कर देंगे। Thank you.
गाइस जो पावर आई सी हमने निकाली है हम उसी को रिवॉल्व करके लगाने वाले हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आईसी चेंज कर रहे हैं, वही आईसी जो उसमें लगी हुई थी उसी आईसी को हम लगाने वाले हैं। फर्स्ट हमारा होता है कि हमको उसी आईसी को लगाकर जो देखना है, डेफिनेटली वर्क करेगी आईसी। बाकी कुछ चांसेस अगर वो आईसी ख़राब हुई तो हम फिर उस कंडीशन में आईसी को चेंज करते हैं, बट अभी हम इसी आईसी को जो है रिवॉल्व करेंगे और इसी को हम लगाएंगे। गाइज आईसी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है लगाने के लिए, तो अभी हम आईसी को जो है देख सकते हो डायरेक्शन मैच करा लेंगे। और इसके जो दो बोल थे ऊपर जो कि एनसी है नॉट कनेक्टेड, जिनको हमने यूवी से कवर कर दिया है, उसको भी हमने दोनों बोल्स को निकाल दिया है, ठीक है। और अभी आईसी को मैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में इसको हम सेव कर देंगे और आईसी को बिठा देंगे। फिर हम जो है फ़ोन को जो है चेक करेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है पावर की से, ठीक है।
दोस्तों आईसी हमारी प्रॉपरली सेव हो गई है और बोर्ड भी हमारा कूल हो गया है। अभी हम जो है एक बार फ़ोन को चेक करेंगे पावर की से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए बोर्ड को मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया और ये हमारे ट्वीज़र से मैंने जो है पावर की पर इसको कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं ये प्रॉपरली नहीं लग रहा है। एक बार मैं फिर से चेक करूँगा इसको। ट्वीज़र से इसको हम क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके जो एंटीनाज हैं पावर की के दोनों जो है इन पर जो है कथीर लगा हुआ है तो ये प्रॉपरली जो है शॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं आपस में। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। फोन वाइब्रेट हुआ है तो ये देख सकते हो फ़ोन हमारा जो है ऑन हो गया है। ठीक है गाइस, ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पे प्रॉब्लम था कि हमारी पावर आईसी जो है उसके नीचे से जो पावर की सप्लाई आ रही थी वो कहीं ना कहीं मिस थी। लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इसको कहीं ना कहीं से जो है स्क्रैचेस करके ऑन करके दिखाते हैं या सप्लाई बना के दिखाते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। मदरबोर्ड को अननेसेसरी कहीं से भी स्क्रैच नहीं कर सकते। ठीक है, इससे सप्लाई शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ़ोन डेड भी हो सकता है। हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो फ़ोन को आईसी के नीचे से ही हम जम्पर निकाल के लाए हैं जो कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और अभी देख सकते हो मैं एक बार इसको टच करके देखता हूँ। ये देखिए तो हमारी जो है पावर की जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। हम और चेक कर लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। ये देखिए स्क्रीन देख सकते हो ऑन ऑफ हो रही है प्रॉपरली। तो गाइस कैसे हमने इस वीडियो में इस फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आपने देखा। तो गाइस ये जो सारा प्रोसेसर था काफ़ी एडवांस लेवल पे ये काम होता है, इसको हर कोई नहीं कर सकता बिना माइक्रोस्कोप के भी। होना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ठीक है, मैं जो है ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के वीडियोस जो है मैं रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अभी क्या करते हैं, हम फ़ोन को पूरा का पूरा जो है असेंबल करके पूरा फिट करके कंप्लीट करके फिर हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन का जो है यहाँ पे पावर की वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है गाइस, वर्क तो कर ही रहा है, डेफिनेटली हमने चेक कर ही लिया, बट होता क्या है सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार हम पूरा इसको जो है फ़ोन को पूरा असेंबल करके पूरा पैक करके फिर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कैमराज वगैरह सब कनेक्ट कर दिए हैं फ़ोन के, तो अभी हम इसकी हाउसिंग लगाते हैं। इस फ़ोन रिपेयर करना उतना भी जो है कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है। अगर हम प्रॉपर स्किल्स सीखेंगे, प्रॉपर हैंड स्किल्स हमारी होगी और प्रॉपरली हम किसी काम को जो है शिद्दत से करेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, एक सही वे में करेंगे तो काम हमारा प्रॉपर जो है होता है। ठीक है, बाकी ऐसे ही कहीं मुँह उठा कर हम जो है डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते कि भाई उठाया ब्लोअर और कहीं पर भी अननेसेसरी हिट करने लग गए, ऐसे फ़ोन ऑन नहीं होता, ऐसे रिपेयरिंग नहीं होती। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमको जो है प्रॉपर नॉलेज और एक प्रॉपर हैंड स्किल होना बहुत ज़रूरी है। इस फ़ोन पर जो है मार्केट के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद भी ये फ़ोन मार्केट में रिपेयर नहीं हुआ है। आप देख सकते हो हमने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करके इसको जो है रिपेयर किया है। फ़ोन का जो है मैंने बैक हाउसिंग लगा दिया है और ये देखो फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अभी क्या है, फ़ोन का जो है पावर की अब डेफिनेटली वर्क करेगा। जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ऐसे ही मेजर फॉल्ट्स के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए सीखने के लिए चैनल को फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ। मैं भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको रिपेयर करवाना है, आप नहीं कर पा रहे हैं या आप खुद किसी से रिपेयर करवाते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अभी फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है और ये देखिए पावर की हमारा जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देख सकते हो।